मेरे दोस्तों, बहुत बार जब हम टू व्हील वाला व्हीकल ड्राइव करते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटी या स्कूटर, तो हम अपने अलावा दो सवारियां एक्स्ट्रा बैठा लेते हैं। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर हम दो पहियों वाला व्हीकल चलाते हैं तो हम उस पर कितने व्यक्ति बिठा सकते हैं, क्या एक ही व्यक्ति अलाउड है या इससे ज़्यादा व्यक्ति अलाउड हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई पर्सन ट्रिपलिंग करता है, अर्थात अपनी बाइक पे, अपने स्कूटर या स्कूटी पे वो अपने अलावा दो और व्यक्तियों को बैठाता है, तो उसको क्या सज़ा हो सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ, साथ में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि हमारे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का जो सेक्शन 128 है, वो साफ साफ बोलता है कि जब हम दो पहियों वाली गाड़ी चलाते हैं तो हम अपने अलावा एक और व्यक्ति पीछे बैठा सकते हैं, लेकिन टोटल दो व्यक्ति उस गाड़ी पे बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा व्यक्ति नहीं बैठ सकते। और अगर कोई भी पर्सन ट्रिपलिंग करता है, अपनी गाड़ी में अपने अलावा एक और व्यक्ति बैठाने के उपरांत एक और व्यक्ति बैठाता है, तो ऐसे व्यक्ति को मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर सज़ा मिलती है, पनिश किया जाता है। मेरे दोस्तों, हमें पता है मोटर व्हीकल एक्ट अभी रिसेंटली 2019 में अमेंड हुआ है, और इस अमेंडमेंट के जरिए बहुत सारे सेक्शन हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में ऐड किए गए हैं। इन सभी सेक्शन में से एक सेक्शन 194C है, और ये सेक्शन इसी की पनिशमेंट की बात करता है। इस सेक्शन के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति ट्रिपलिंग करता है, अर्थात टू व्हील वाला व्हीकल चलाते हुए दो के अलावा, अर्थात टोटल दो व्यक्तियों के अलावा व्यक्ति बिठाए जाते हैं, तो ऐसे पर्सन को 1000 रुपये का जुर्माना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो उसका लाइसेंस है वो 3 मंथ के लिए इनवैलिड हो जाएगा, अर्थात ही विल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग द लाइसेंस फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ। नाउ अब इसके बाद जो उसका लाइसेंस है वो 3 मंथ के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए ये भी बता दूं कि इससे पहले 2019 से पहले अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता था, अर्थात ट्रिपलिंग करता था, तो उस व्यक्ति को केवल 100 रुपया फाइन पड़ता था, लेकिन अभी अमेंडमेंट के बाद फाइन को का अमाउंट बढ़ाया गया है, और साथ ही पनिशमेंट को बहुत कठोर किया गया है। मेरे दोस्तों, इसी के साथ मेरी वीडियो का अंत होता है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।